अब शॉर्टिंग दो टैब में आपको मिल जाएगी। देखिए शॉर्टिंग अगर करना चाहते हैं तो एक तो आपके पास है होम टैब, तो होम टैब में यहां पर एकदम राइट साइड में देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग होती क्या है, देखिए यहां पर राम लिखा है, श्याम लिखा है, मनोज लिखा है, आप राम किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर श्याम एस से स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं लेकिन ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज होने का मतलब है कि अगर पहले कोई ए वाला नाम आया हो तो ए वाला नाम दिखे, फिर बी वाला नाम दिखे, अगर बी नहीं है तो सी, सी नहीं है तो डी, इस तरह से करके ये नेम आने चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारे मार्क्स और जो भी कैलकुलेशन है वो भी चेंज हो जानी चाहिए। इसे हम कहते हैं शॉर्टिंग। करेंगे कैसे देखिए बताता हूं। यहां पर आप कर्सर को रख लीजिए, नेम के हिसाब से हम शॉर्ट करना चाहते हैं यहां पर रख लेते हैं। ठीक है, आप डेटा टैब में भी जा सकते हैं, सेम यही काम आपको डेटा टैब में भी करने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां से भी जा सकते हैं, शॉर्ट पे जा सकते हैं और ये लिखा हुआ है ए टू जेड, तो अगर आप ए टू जेड के क्रम में शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर, यहां पर पूछ रहा है आप किसके थ्रू इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर मैं करता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहां पर आप कलर के हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हैं, फॉन्ट कलर सेल आइकन किसके हिसाब से, तो फिलहाल वैल्यू के हिसाब से हम शॉर्ट करने वाले हैं। ओके प्रेस कर दीजिए, आप देखिए ये चेंज हो गया, पहले यहां कुछ और आ रहा था, आराम से हम कुछ ऐसे आ रहा था, अब यहां हीना हीरा कुंदन मनोज इस तरीके से आने लगा, तो ए टू जेड के क्रम में हमने शॉर्ट कर दिया जिसकी वजह से ये ऐसे आने लगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ मैं कलर लगा देता हूं, देखिए जैसे एक कलर मैंने वहां लगाया है, अब इसमें भी एक कलर लगा देता हूं। ठीक है, ठीक है, कलर के बेस पे शॉर्टिंग होने वाली है तो कलर मैं क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ। ये देखिए कलर ये वाला लगा दिया हमने, तो अब अलग अलग कलर भी आपको इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो अगर आप कलर के बेस पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, और वापस से कहाँ चलना है, अब इस बार हम यहीं से शॉर्ट एंड फिल्टर पे चलते हैं और यहाँ पे कस्टम शॉर्ट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं कस्टम शॉर्ट, तो यहाँ पर आ जाइए आप। अब किसके बेस पे शॉर्ट करना चाहते हैं, तो सेल कलर के बेस पे हम शॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है नो सेल कलर, तो यहाँ पे कौन सा कलर वाला, तो यहाँ देखिए जो जो कलर आपने लिया है वो कलर आ जाएगा, अभी हमको ये वाला चाहिए और ओके प्रेस करता हूं, तो यहाँ पे देखिए जो ये वाला कलर था वो ऊपर आ गया, बाकी सारे कलर नीचे चले गए। ठीक है, अगर हम दूसरे कलर के बेस पे शॉर्ट करते हैं, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आए हम और कलर अब मैं चेंज करता हूँ, लाइक ये वाला कलर ले लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो जो ये वाला कलर है एकदम ऊपर आ गया, देख लीजिए आप एकदम ऊपर आया हुआ है। इसी तरह से एक और कलर हमारे पास है, उसके थ्रू अगर शॉर्ट करेंगे तो देखिए ये, अब इस बार ये कलर लेता हूं, अब ओके करता हूं तो देखिए टॉप में वो कलर चला जाएगा, ये कलर टॉप में आ गया। तो इस तरीके से कलर के भी बेस पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, इसे हम शॉर्टिंग कहते हैं। क्लियर है?